अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? यकीन आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं, खैरियत से हैं जी। सुबह का टाइम है, बेबी भी उठी हुई थी, इसको धूप लगवाई थी सुबह सुबह, धूप लग गई हल्की सी। आज धूप नहीं है, आज तो छांव है, यानी कि धूप नहीं निकली, बादल आए हुए हैं। तो फिर भी हमने थोड़ी बहुत लगवा ली। ये देखिए, इसका माथा भी मैं बिठा रही हूँ ऐसे करके, ये ऐसे करके जो है इसका जो है माथा बैठेगा, ये सर जो है, और साथ में ये देख सकते हैं हमने नाश्ता भी कर लिया है, आपको दिखाया। नाश्ता करके बच्चों को हमने स्कूल भेज दिया, और अभी एक बच्चा गया है, दूसरा बच्चा बाद में जाएगा। तो अब फिर से जी हम चलें जी, अब इसको सुला के आते हैं, सुला के आते हैं। सफ़ीर जो है वो अभी सो रहा है, अब्दुल्ला जो है उठ चुका है, चलेंगे। ये देखिए, अब हम सुलाने जा रहे हैं। हमने बेबी के लिए लाइट लगाई है, लाइट लगाई है बेबी के लिए। या अल्लाह मदद, रोशनी कहाँ से आएगी। चलें जी, चलें जी, हम बाहर निकलते हैं। सुना दिया अब्दुल्ला ने नाश्ता, अब्दुल्ला नाश्ता कर रहे हैं। हेलो गाइस बोलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, अब्दुल्ला जो है नाश्ता करेगा, पापा जो हैं वह नाश्ता करके चले गए। मैंने खीर खाए थे सुबह सुबह, मुझे तो पापे बड़े पसंद हैं, रस पापे। ये देखिए किचन का हाल, अभी किचन भी साफ होने वाला है, किचन सब कुछ अभी सफाई करूँगी इंशाल्लाह। नई चाय आपकी लेकर आती हूँ, ये मैंने पी थी। आओ बिस्मिल्लाह। हाँ जी, आपको बाहर का मौसम भी दिखाती हूँ। अब्दुल्ला के पेपर हो चुके हैं, अब्दुल्ला ने कटिंग भी करवाई, और जी बच्चों के पेपर भी साथ में चल रहे हैं, और मेरी तबीयत भी कुछ सही नहीं है, तो बट क्या करें, पढ़ाना तो है ही है। फिर बच्चों को पेपरों की तैयारी करवा रही हूँ साथ में, और साथ में जो है ना ये बेबी भी है, और ये बेबी जो है ना थोड़ा सा तंग करती है और थोड़ा सा नहीं करती। अब बेबी ने शटार वाले कपड़े पहने हैं, देख लें, है ना बेबी, शटार वाले कपड़े पहने हैं जी, जी स्टार वाले है ना। ये देखें जी, आज हम आपको बेबी दिखा देते हैं, कैसी लगती है हमारी बेबी, कैसी लग रही है आप सबको, कैमरा जी हमारा कैसा आ रहा होगा। तो जी आज फिर मौसम जो है वो बादल आ चुके हैं, बादल बने। अब्दुल्ला की कटिंग देखें कैसी लगी आप सबको, अब्दुल्ला की कटिंग अच्छी। हाँ जी, ये रोज सफाइयाँ करते हैं, और ये देखें लगता नहीं है कि ये सफाइयाँ होंगी, पता नहीं फैलावा इतना हो जाता है बहुत ज़्यादा। हमारे पंखे भी साफ़ होने वाली हैं, आज सुबह सुबह ये भी गिर गया यहाँ से, क्योंकि बारिश का पानी हल्का सा इसमें से लीक करता था। अब माशाल्लाह हमने इसको सही कर लिया, अब नहीं होता, इसको भी अब सेट करेंगे बल्ब को। और ये देखिए पंखे कितने गंदे हो रहे हैं, ये भी अब मैं साफ़ करती हूँ, अभी सफाई करूँगी इसकी भी, और आपको बाहर का भी लुक दिखा देते हैं। बाहर देखिए मौसम सुबह सुबह कैसा हो रहा है, और मैंने जो है आप सबको बताऊँ, वो छोटी बच्ची जो है झाड़ू लगा रही है छोटी सी, और ये देखिए मैंने दाना रखा हुआ है कबूतरों के लिए। यहाँ में ये कबूतर आते हैं, कवे भी आते हैं, चिड़िया भी आती हैं, और गिलहरी भी आती है,
ये दाना गुलेरी भी शौक से खाती है। ये स्पेशल मैंने इनके लिए ये दाना मंगवाया हुआ है। ये मोटा मोटा दाना होता है और ये देखें ये खाते हैं। ये आप सब ज़रूर रखा करें अपने इसके लिए। चिरिंद खाते हैं तो दुआ करते हैं। और ये देखें अच्छा भी लगता है। कबूतर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, खा लेते हैं। और कवे सबसे पहले तो जी जैसे मैं ये डालती हूँ कवे ही आ जाते हैं और कवे आधा गिराते हैं आधा खाते हैं। शायद वो बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं इसलिए वो बेचारे जल्दी जल्दी खाने के कोशिश करते हैं और नीचे गिरा देते हैं। ये कल मैंने कपड़े धोए थे, चावल मुन्नी के धोए थे, कपड़े उतार लिए मैंने। सिर्फ मुन्नी के ही कपड़े धोए थे मेहताब जारा के। और मौसम देखें, मौसम अच्छा हो रहा है सुबह का। चलें जी फिर इसी के साथ हमें इजाज़त दें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। और जी बस इतनी सी वीडियो बनाई हमने। चलें जी अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।